है। वेक्टर्स का, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटी है वेक्टर और स्केलर। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसी क्वांटिटी जिसमें आपको मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी जरूरत हो। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत हो, ठीक है, जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की जरूरत ना हो, दैट इज द स्केलर क्वांटिटी। जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों की जरूरत हो उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। हम लोग यहां पे वेक्टर के बारे में ये देख लें कि वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, लेकिन आप देखते होंगे कि कुछ वेक्टर को बाद में हम लोग नेगेटिव साइन के साथ भी एक्सप्रेस करेंगे, जैसे 10 न्यूटन फोर्स -10 न्यूटन फोर्स। तो हम लोग यहां पे मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखते हैं, लेकिन अगर -10 न्यूटन हम लोग कह रहे हैं तो 10 न्यूटन के जस्ट अपोजिट। तो वेक्टर में माइनस साइन का मतलब होता है कि जो ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसके जस्ट अपोजिट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज पॉजिटिव, माइनस साइन का मतलब होता है डायरेक्शन अपोजिट हो जाना, ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग यहां पे वेक्टर को एक्सप्रेस करते हैं एरो के थ्रू। एरो के थ्रू हम लोग इसे इसलिए एक्सप्रेस करते हैं कि एरो से हम लोग को डायरेक्शन का इंडिकेशन मिल जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली हम लोग वेक्टर को एक एरो के थ्रू हम लोग यहां पर रिप्रेजेंट करते हैं, और एरो में हम लोग ये कहते हैं कि ये जो डायरेक्शन है ये हेड है, ये इसका टेल है। मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपवर्ड, राइट अपवर्ड हम लोग कह सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एरो अगर बना दे रहे हैं तो वो क्या एक्सप्रेस करेगा कि किस डायरेक्शन में वो फिजिकल क्वांटिटी है, राइट। जैसे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, एरो बना दिया तो उससे क्या रिप्रेजेंट होगा कि इट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो एरो रिप्रेजेंट द डायरेक्शन सेंस, दैट इज अ वेक्टर सेंस, ओके। वेक्टर का रियल मतलब होता है कैरियर। कैरियर का मतलब क्या होगा कि किस डायरेक्शन में कैरी कर रही है फिजिकल क्वांटिटी को। तो दिस इज द एरो दैट रिप्रेजेंट द वेक्टर डायरेक्शन। और अगर हम लोग कोई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर बना दें तो वो एक्सप्रेस करती है कि वो वेक्टर क्वांटिटी। जैसे फोर्स, अगर इसके ऊपर वेक्टर नहीं बना होता तो हम लोग कहते हैं दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। अगर वेक्टर बना दिया तो दिस क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस द साइन आल्सो, ठीक है। अगर हम लोग केवल एफ लिखते तो दैट इज द ओनली मैग्नीट्यूड, और अगर हमने फोर्स के ऊपर वेक्टर बना दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब हम लोग कहेंगे इट इज अ वेक्टर, फोर्स वेक्टर, इसको कहेंगे फोर्स वेक्टर। और अगर केवल फोर्स लिखा हुआ है तो सिंपली कहेंगे इट इज अ फोर्स। अब इसको हम लोग थोड़ा सा कैटेगराइज कर लें कि कितने टाइप के वेक्टर्स आप यहां पे लर्न करोगे। हम लोगों ने अभी रिप्रेजेंट कर लिया वेक्टर को कि वेक्टर क्वांटिटी एरो से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम लोग यहां पे थोड़ा सा ये एक्सप्रेस कर लें कि कितनी टाइप की वेक्टर क्वांटिटी आप देखोगे, राइट। टाइप ऑफ द वेक्टर्स के बारे में हम लोग यहां पे देख लें। अच्छा देखो, लेक्चर्स के बारे में, जो लेक्चर्स यहां पे अभी हम लोग कर रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि आप पूरा वर्ड टू वर्ड आप लिख लो, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये प्रेजेंटेशन, आप बुक अगर जो आपको दी हुई है उसमें आपको सभी डिटेल मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो जितना भी इधर पे प्रेजेंटेशन है उसका आपको पीडीएफ मिल जाएगा, अपनी पेन ड्राइव से ले जा सकते हो, और ये रिकॉर्डिंग मोड में होता है, आप यहाँ पे आके कभी भी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। मतलब पिछले लेक्चर्स को कभी भी देखने की जरूरत है, रिवाइज कर सकते हो। इवन रिपीटेशन क्लासेस भी आपकी होंगी तो आप उनमें फिर से रिपीट कर सकते हो। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप पहले अच्छे तरीके से समझ ले। कई केसेस में हम लोग ब्लाइंडली लिखने की कोशिश जो करते हैं तो उसमें हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग के बजाय केवल लिखने की कोशिश ज्यादा करते हैं, क्योंकि लिखने वाला पार्ट जो है आपको बुक में ये वाला पार्ट जो है मिल जाएगा। आप इसको समझ लोगे तो बुक से अच्छे तरीके से पढ़ भी लोगे, फिर अपने अकॉर्डिंग अपने नोट्स भी बना सकते हो पूरे, ओके। तो हम लोग टाइप ऑफ द वेक्टर्स में हम लोग सबसे पहले पैरेलल वेक्टर को डिफाइन करें। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के पैरेलल हो। जैसे दो कार जा रही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, दोनों नॉर्थ की डायरेक्शन में जा रही हैं, तो हम लोग कहेंगे कि उनकी वेलोसिटी पैरेलल है, ठीक है ना। तो पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर क्वांटिटी है दिस शुड बी पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन, कंपलसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि मैग्नीट्यूड मे और मे नॉट बी इक्वल, ठीक है। पैरेलल वेक्टर में कंपलसरी नहीं है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो, मैग्नीट्यूड मे भी डिफरेंट बट डायरेक्शन शुड बी सेम। जैसे ये दोनों वेक्टर मैंने एरो बनाए हुए हैं, तो फर्स्ट केस में जो एरो बना हुआ है वो उसकी लेंथ है कम है, और वेक्टर
वेक्टर्स के केस में जो लेंथ होती है एरो की, दैट रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन, तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो उसकी डायरेक्शन कैसी है, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जैसे दो वेक्टर्स बने हुए, एक की लेंथ कम है एक की ज्यादा है, तो हम लोग डायरेक्टली बतला सकते हैं जिसकी लेंथ ज्यादा है दैट इज हैविंग द ग्रेटर मैग्नीट्यूड देन प्रीवियस वन। ओके, इसके बाद फिर एक टर्म यूज होगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर का मतलब क्या हुआ कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ शुड बी सेम। ओके, इस केस में पैरेलल भी होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होनी चाहिए। मतलब क्या हुआ, इक्वल वेक्टर अगर कह दें तो उसमें पैरेलल वेक्टर अपने आप इंक्लूड है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इक्वल वेक्टर में पैरेलल वेक्टर होगा, लेकिन पैरेलल वेक्टर इज नॉट नेसेसरी टू बी इक्वल वेक्टर। ठीक है, इक्वल वेक्टर अगर हम लोग कह रहे हैं तो कंपल्सरली क्या होना चाहिए, इट शुड बी पैरेलल वेक्टर, लेकिन पैरेलल वेक्टर में कहें तो इट इज नॉट कंपल्सरली इक्वल वेक्टर। ओके, इसके बाद एंटी पैरेलल, जैसे नाम से क्लियर है कि पैरेलल तो है लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है जस्ट अपोजिट टू ईच अदर, जैसे नॉर्थ और साउथ, एक नॉर्थ में जा रहा है एक साउथ में जा रहा है, तो ये क्या कहेंगे, दीज आर एंटी पैरेलल। ओके, ठीक है, लेकिन इसमें भी यही कंपलसरी कंडीशन है, क्या है कि मैग्नीट्यूड नीड नॉट टू बी इक्वल, डायरेक्शन शुड बी जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ओके, यहां तक क्लियर है, ये हमारे पास कैटेगराइजेशन हो गए पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर और इक्वल वेक्टर। ठीक है, शुरुआत में आपके स्कूल्स एग्जामिनेशन में ये इनकी डेफिनेशंस भी पूछी जाएंगी, तो आपको शुरुआत में ये भी करना है कि स्कूल्स एग्जामिनेशन में आपको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, जबकि आपके कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में लिखने के लिए नहीं कहा जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव नेचर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन सॉल्व पूरा करना पड़ेगा, उसमें कोई गैस वर्क नहीं चलता, लेकिन स्कूल्स एग्जामिनेशन के लिए आपको लिख के आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओके, इसके बाद फिर नेगेटिव वेक्टर, जैसे बतलाया हुआ था कि वेक्टर में नेगेटिव साइन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होता था, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती थी, तो अगर हम लोग कह रहे हैं नेगेटिव वेक्टर तो इसका मतलब क्या हुआ कि जस्ट अपोजिट टू द प्रीवियस वेक्टर, मतलब क्या हुआ कि वो एंटी पैरेलल। ठीक है, अगर हम लोग नेगेटिव किसी वेक्टर को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो कौन सा वेक्टर जनरेट होगा, एंटी पैरेलल। जैसे देख रहे हो कि एक वेक्टर है ए, उसको अगर हम लोग माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर। ठीक है, तो नेगेटिव वेक्टर का रिलेशन किसके साथ हो सकता है, एंटी पैरेलल वेक्टर के साथ, राइट। इक्वल वेक्टर का पैरेलल वेक्टर के साथ, डिफरेंस क्या है इक्वल वेक्टर और पैरेलल वेक्टर में, कि पैरेलल में मैग्नीट्यूड नीड नॉट टू बी इक्वल, लेकिन इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड सेम होनी चाहिए। यहां तक क्लियर है, मतलब यहां पे करना क्या पड़ता है कि कई क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कैसे पूछे जाएंगे, मैचिंग द कॉलम टाइप के, रीजनिंग बेस के। मैचिंग द कॉलम में क्या होगा कि एक कॉलम में एक वेक्टर क्वांटिटीज लिख दी जाएंगी, दूसरी कॉलम में दूसरी वेक्टर क्वांटिटी, आपसे कहा जाएगा कि उन क्वांटिटी को मैच करो जो कोरिलेटेड है, तो आपको यहां पे डेफिनेशंस अगर अच्छे से मालूम होगी तो आपको रिलेशन कर पाओगे, राइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं समझने में, ठीक है ना, इससे आगे चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक क्लियर है। नल वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर, ठीक है, नल वेक्टर या जीरो वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर की मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए, या दो फोर्स लग रहे हैं, सपोज एक लग रहा है एक्स डायरेक्शन में दूसरा लग रहा है माइनस एक्स डायरेक्शन में, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो, जो जीरो फोर्स आएगा दैट विल बी द नल वेक्टर। ठीक है ना, जैसे आप इस डायग्राम को देखें कि एक बॉक्स है और दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, तो जो हमारे पास यहां पे नेट फोर्स आएगा, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पे जो नेट फोर्स आ रहा है कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है, नल वेक्टर तक कोई दिक्कत नहीं। आर्बिट्री डायरेक्शन मतलब कोई भी, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है कि वो केवल एक्स डायरेक्शन में हो, वाई डायरेक्शन में हो, जेड डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगने लगा तो रिजल्टेंट जीरो हो गया, उसको हम लोग कहेंगे दैट इज अ नल वेक्टर। ठीक है, मतलब वेक्टर के लिए इस केस में इट इज नॉट कंपल्सरी कि फोर्स जो है
किसी एक फिक्स डायरेक्शन में लगे, किसी भी डायरेक्शन में भी लग सकता है कि हम लोग किसी पार्टिकल पे कोई फोर्स लगा रहे हो जिनकी मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो रिजल्टेंट उसका जीरो हो जाएगा।